नमस्कार सार्वद्यक लोकसभा निर्वाचन फलाफल घोषणा करार पिछत एन एम ओ पी एसर राष्ट्रीय सभापति विजयबंधु डांगरियाई समग्र देशते पुरानी पेन्शन पुनः प्रवर्तन करार ऊपर बहुक गुरुत्वपूर्ण मंत्य आगे जिक मंत्य आम राज्य देशर प्रति सरकारी कर्मचारी जाना अत्यंत प्रयोजन है लगर बंधुवर्गक भिडिओं शेयर कर विजयबंधु डांगरियार आज गुरुत्वपूर्ण मंत्यक जन और परवर्त समय सरकारी कर्मचारी विभिन्न खबर समूह सम्पूर्ण शुद्ध तथ्य ऊपर पुन प्रथम पाल अनुग्रह आम चेनेल सबसक्राइब कर लब गति के बोलक आम आग गई विजयबंधु डांगरियार गुरुत्वपूर्ण मंत्यक शुनी लो साथियों नमस्कार। लोकसभा चुनाव का परिणाम आप सबने देखा होगा, उसका अध्ययन भी थोड़ा बहुत किया होगा और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो देश की महान जनता ने एक संदेश दिया है, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, और उसमें एक बड़ा सुखद एहसास रहा कि कर्मचारियों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा एनएमओपीएस के अभियान पर जो वोट फॉर ओपीएस का अभियान चला वो परिणाम पर भी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए मैं अपने तमाम संगठनों को, तमाम पदाधिकारियों को, तमाम सहयोगी संगठनों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही ये बात कहना चाहते हैं कि आने वाले समय हम सबके लिए सुखद होगा, क्योंकि हमने, आप सबने बहुत पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष किया है। चाहे सरकारें किसी की रही हों, पार्टियां कोई रही होंगी, लेकिन हमारी डिमांड पुरानी पेंशन है और ये परिणाम भी बता रहा है कि हम आगे रास्ता है, हमारा रास्ता आगे तय हो रहा है और इसी को लेकर के आपके बीच में आ जाया हूं। मैं थोड़ा सा परिणाम की चर्चा करूंगा। मैं आने वाले समय में जो हमारी आगे की रणनीति होगी और आने वाले समय में हम इसको कैसे अपने रास्ते पर, अपने मंजिल को पहुंचा पाएंगे, इस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा। सबसे पहले अगर वोट फॉर ओपीएस के अभियान को देखें तो उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों के अंदर इसका बेहद महत्वपूर्ण परिणाम दिखाई पड़ा और आज अगर जो बहुत बहुमत की सरकार थी वो कहीं न कहीं इस देश की महान जनता का जो आक्रोश था उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। आने वाले समय में सरकार किसकी बनती है, कौन बनाता है, लेकिन मैं अपने मुद्दे के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग अब पहले से कई गुना ताकतवर और बेहतर हुए हैं। अगर हम एक मजबूत और ताकतवर सरकार से लड़ सकते हैं तो आने वाली जो सरकार है वो लंबी सरकार होगी, वो बैसाखी पे सरकार होगी। और मैं बहुत पहले से बात कहते रहा हूं कि देश की जनता के लिए कमजोर सरकार देश की जनता के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बहुमत जब आता है तो कहीं न कहीं वो तानाशाही का प्रवृत्ति आता है, जिसको पिछले 10 सालों से हम सबने देखा है। आने वाले समय में हम अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद आगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, ये हम उसमें तय करेंगे और उसके बाद आगे की जो घोषणाएं होंगी, जो संघर्ष का अभियान होगा उसको चलाएंगे। लेकिन मैं सरकार से और जो तमाम उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के जो भी माननीय सांसद लोग चुन के आए हैं, मैं उनसे भी उनको बधाई देते हुए अपील करता हूं कि आप संसद में जाएं तो जनवादी मुद्दों को उठाएं, चाहे पुरानी पेंशन का मामला हो, निजीकरण की समाप्ति का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, नौजवानों को रोजगार देने का मामला हो। हम चाहते हैं, हम सब की इच्छा है, पूरे देश की इच्छा है कि इन्हीं मुद्दों पर संसद अगर बात करेगी, इन्हीं के समाधान के लिए काम करेगी तो हम समझते हैं बहुत अच्छा होगा पूरे देश के लिए। आने वाले समय में जब सरकार गठित हो जाएगी तो हम सब अपनी रणनीति बनाएंगे और रणनीति बना करके इसको जितनी जल्दी चाहेंगे कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 1 अक्टूबर की जो दिल्ली की रैली थी उसका असर पूरे देश में गया और स्व प्रेरित होकर के अपने मुद्दे के साथ आया। मैं तमाम उन शिक्षकों, कर्मचारियों को, उन साथियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस अभियान में एक अपील पर, एक अभियान के तहत लिया और अपने मुद्दे के साथ वोट किया और वोट का परिणाम भी सामने दिख रहा है। चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, लोकतंत्र में दोनों का काम होता है और दोनों का काम होता है कि जनता के जुड़े हुए मुद्दों को हम हल करें। और ये नई संसद, ये उम्मीद करता हूं जो पिछले कई सालों से लगातार 1 करोड़ से ज्यादा एनपीएस कर्मियों की अपेक्षा इस देश सरकार से रही, इस देश से रहा है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो। देश का अर्धसैनिक बल जो चुनाव कराने में
अपना दिन रात लगाया, ये कर्मचारी, तमाम सारी ऐसी घटनाएं दुखद हुई हैं हमारे आप सबके लिए कि उसी चुनाव के बीच में हमारे बहुत सारे साथी इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, शोक व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं सरकार और इस तमाम राजनीतिक दलों नेताओं से कहना चाहता हूं, जो चुनाव कराता है, चुनाव की पूरी प्रक्रिया कराता है, अपना सर्वस्व बलिदान करता है, आप तो जीत गए, आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन उनका क्या होगा, उस पर भी ये माननीय सांसद और संसद विचार करेगी और हम सब 2024 में पुरानी पेंशन की तरफ लौटेंगे, ये सरकार लौटेगी, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूं। और तमाम साथियों से एक निवेदन और करता हूं कि आपने चुनाव के समय देखा होगा कौन संगठन, कौन तमाम कर्मचारी, शिक्षक, नेता क्या कर रहे थे, आप सब चुनाव के समय उनको देख लीजिएगा और अब भ्रम की स्थिति से दूर होइएगा। इस देश में एनएमओपीएस ने इस आंदोलन को शुरू किया और इसका अंत भी एनएमओपीएस के ही पुरानी पेंशन की बहाली का रास्ता खुलेगा। और आप सबसे अपील करते हुए कि आप तैयार रहें, आने वाले समय में संघर्ष की घोषणाएं होंगी, सरकार से निवेदन भी होगा, सरकार से अपेक्षा भी होगा, सरकार से उम्मीद भी होगी और संघर्ष भी होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब रेडी रहे, जैसे निर्णय होगा आपसे बीच में जाएगा और उम्मीद करता हूं हम सब पुरानी पेंशन के अंतर्गत जल्द ही आएंगे, ऐसी अपेक्षा विश्वास के साथ फिर समय पर हम आपसे बात करते रहेंगे। अनहते 2024 सनर लोकसभा निर्वाचन फलाफल घोषणा करार पिछते ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমসমূহেও জনাইছে যে এন এম অ' পি এছৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ দেশৰ এন পি এছৰ অধীনস্থ কৰ্মচাৰীসকলে পুৰণি পেঞ্চন পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ দাবীৰে যি আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিল সেই আন্দোলনৰ ফলস্বৰূপে এইবাৰ বিজেপি দলে কমকৈ আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অৰ্থাৎ বিজেপি চৰকাৰে এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ যি আন্দোলন আছিল সেই আন্দোলনক গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, যার ফলস্বরূপে এইবার বিজেপি দলে এখন কমকৈ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আনহাতে ইন্ডিয়ার নেতৃত্বাধীন যি মিত্রজোট আছে সেই মিত্রজোটে লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিছিল যে যদি ইন্ডিয়ায় সরকার গঠন কৰিব পাৰে, অর্থাৎ কংগ্রেস দলে সরকার গঠন কৰিব পাৰে, তেন্তে কংগ্রেস দলে প্রথম কেবিনেটতে দেশৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ মুখ্য দাবী অ' পি এছ পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব। হয় সাৰ্বজনীনসকল, যাৰ ফলস্বৰূপে এইবাৰ বিজেপি বিৰোধী দলসমূহে এখন বেছিকৈ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমসমূহে জানিবলৈ দিছে। গতিকে সাৰ্বজনীনসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মন্তব্য কি? আনহাতে বিজয়বন্ধু ডাঙৰীয়াই যিকেইটা মন্তব্য আগবঢ়াইছে সেই মন্তব্যৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মতামত কি অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু লগৰ বন্ধুবৰ্গক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা জনাই দিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্য তথা দেশৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ তথ্যৰ ওপৰত পোনপ্ৰথমে পাবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।